चलो बेटा। मम्मी हम यहाँ पे तो पापा के शॉपिंग करने आए थे। अरे सबसे पहले यही तो दिखा हमें, तो यहाँ पर कर लेते हैं, फिर तुम्हारे पापा की शॉपिंग करेंगे। ओके चलो। मम्मा आप तो पापा के लिए ले रही, अपने लिए क्यों ले रही हो? बेटा पहले मैं अपने लिए देखूंगी, फिर आपके पापा के लिए। जाओ जाके खेलो। नहीं मम्मा अब पहले पापा के लिए लो। यहाँ पर मेरी बेइज्जती मत करो, जाओ उधर जाके बैठ, मैं आ रही हूँ। पापा के ले लो, पूरे दिन फास्ट तो मुझे रखना है, पापा के ले लो। आजकल के बच्चे भी ना अजीब होते जा रहे हैं। वाओ ये साड़ी कितनी सुंदर है, मुझ पर कितनी सुंदर लगेगी। करवा चौथ पर अगर मैं यही पहनूंगी सब मुझे ही देखते रह जाएंगे। हाँ कुत्ता भी मुझसे चिढ़ने लगेगी। वाओ भैया बहुत ही सुंदर साड़ी है। आज मामा को क्या हो गया? घर से तो बोल के लाई थी क्या तेरे पापा के लिए शॉपिंग करूंगी, पर अब अपने लिए शॉपिंग करने। यार बच्चा कहाँ गया? अरे मैं तुझे ढूंढ रही थी, ये बता मेरी साड़ी कैसी लग रही है? मुझे तो नहीं पता, आप पापा से वीडियो कॉल करके पूछ लो। अरे उनको क्या डिस्टर्ब करना, पागल है क्या? तू ही बता दे कैसी लग रही है। मम्मा पापा को वीडियो कॉल करो ना। ज्यादा मत बोल, समझ गया, चल जाके खेल। जान के कह रहा है ताकि उसके पापा को पता चल जाए कि मैं एक और साड़ी ले रही हूँ करवा चौथ की। हाँ फिर कहेंगे अभी तो तुमने शॉपिंग की थी, दोबारा से आ गई, ये तो छिड़ते हैं मेरी शॉपिंग से। उनको क्या पता एक दिन में करवा चौथ तक 4000 साड़ियाँ बदली जाती है। काना करवा चौथ पर मैं कौन सा लहंगा लूँ? मम्मा आपने तो करवा चौथ दो ले लिए लहंगे। बेटा एक दिन में ना 4 जोड़ी कपड़े चेंज करते हैं, आपको नहीं पता जब आपकी शादी होगी तब आपको पता चलेगा। मम्मा पापा के लिए कब करोगे शॉपिंग? बेटा पहले मेरी हो जाए उसके बाद आपके पापा की होगी। लेकिन आपकी तो होगी 2 दिन पहले। तू अपने पापा की तरह क्यों बातें कर रहा है? तेरे पापा ने इसीलिए भेजा ना तेरे को मेरे साथ? नहीं नहीं फिर ऐसी बातें क्यों कर रहा है? यहाँ पर मेरी बेइज्जती करवाएगा, लोग सोचेंगे टाइम पास करने आई है। चल भागे से, भाग। ये अपने पापा को चप्पा चप्पा बताएगा। हाँ मुझे कुछ तो करना पड़ेगा, चुपचाप मुझे लहंगा पैक करवाना पड़ेगा ताकि इसको भी पता ना चले इसके पापा ने तभी इसको भेजा है। बहुत चालू दिमाग से काम करते हैं, लेकिन मैं भी छोड़ूंगी नहीं क्योंकि सारी बाजी जीतू नाम होने की। वाओ ये लहंगा कितना सुंदर है, ये लहंगा तो मैं ले ही लेती हूँ तुरंत ही क्योंकि स्टिच होने में भी टाइम लगेगा। भैया भैया ये लहंगा ना पकड़ो पकड़ो इसको पैक कर दो और चुपचाप मेरी गाड़ी में रखवा देना, बाहर है ब्लैक कलर की होंडा सिटी। चुपचाप क्यों? ऐसे ही भैया वो छोटा बच्चा है साथ में, वो भी बोलेगा मेरे को भी लहंगा चोली दो। लेकिन वो तो लड़का है। आजकल लड़के भी लड़कियों से कम है क्या? सुना नहीं है? आप इसको पैक कर दो और 2 साड़ियां मेरी उधर है वो भी पैक करवा देना। यहाँ पर आपका कलेक्शन करवा चौथ का बहुत सुंदर आया, मन तो कर रहा है सब ले लूं। तो ले लो मैम, देरी किस चीज की? पैसे आप दोगे, जितना बोला उतना करो, जाओ तब ले लो। मेरा बस चले तो सारे लहंगे ले लूं, इतने सुंदर सुंदर लहंगे हैं। नेक्स्ट टाइम करवा चौथ की शॉपिंग यहीं से करूंगी, बहुत सारे कपड़े लेकर जाऊंगी, ज्यादा महंगा भी नहीं है, सस्ता भी और अच्छा भी है। गाना कहाँ गया? काना तू यहाँ पर सो क्यों रहा है? नहीं जा रही है। अरे बेटा अभी आपके पापा की भी शॉपिंग करनी है। आपकी होगी क्या? मुझे क्या करना था, मेरी तो करवा चौथ की पहले शॉपिंग हो गई थी, आपके पापा के लिए तो आए थे ना। लेकिन शॉपिंग तो आप ही कर रही थी। ज्यादा मुंह मत चला, चल कैची की तरह जबान चलती है इसकी, चल अब तेरे पापा के लिए करते हैं। ले आ गई, अब बता क्या लेना है। मम्मी आप पापा के लिए अच्छा सा ले लो। हाँ बेटा आप ही के पापा के लिए शॉपिंग करने आई हूँ, अपने लिए थोड़ी आई हूँ। मम्मी झूठ मत बोल, सबसे पहले तो आपने लिया। सुन ज्यादा बोल मत, समझ गया, चल चुपचाप। दो भैया एक तो बच्चे पैदा करना और बच्चों को संभालना बहुत ही मुश्किल है, सर पे नाचते हैं। ये अपने पापा को कुछ बताना दे, इसको टॉफी खिलानी पड़ेगी। हाँ मम्मी तो बहुत चालू है अपने लिए शॉपिंग कर ली, अब पापा के लिए शॉपिंग कर ली, ये तो मैं अपने लिए लूंगा। तू यहाँ पर क्या कर रहा है? मेरा अभी तो करवा चौथ है। तेरा भी करवा चौथ है? हाँ जैसे पापा का फिर मेरा। पागल हो गया है क्या, छोटे बच्चे को कोई करवा चौथ नहीं था? चल भागे से। देखो तो इसको तो सिखा कौन रहा है, मुझे तो यही नहीं समझ आ रहा। लेकिन इसका प्राइस तो देखूं कितना है, प्राइस तो ज्यादा नहीं है और लग भी सुंदर रहा है, लेकिन इसको क्यों दिलाऊं? दिवाली में इसने इतने कपड़े ले लिए यहाँ से, इतने सुंदर सुंदर, अब कुछ नहीं दिलाऊंगी इसे। हाँ सब चीज़ चाहिए इसको अपने पापा की तरह।